और दोस्तों हम आ गए हैं गणेश टेकड़ी मंदिर। इधर फूल की दुकान, इधर फूल माला की दुकान, और मंदिर काफ़ी बड़ा लग रहा है भाई। नागपुर का प्रसिद्ध है गणेश जी का मंदिर। वाह, प्रसिद्ध मंदिर है नागपुर का। अंदर चल सकते हैं क्या? चलो अंदर देखें फिर। क्या बात है, ले रहा हूँ वही, कमाल। ये तो वो लग रहा है ना संगमरमर जैसे, है ना? क्या बात है, मंदिर का गेट पूरा दिव्य बना है। और इधर देखिए, एक कढ़ाई वगैरह चढ़ाने आते हैं लोग। हाँ करना पड़ेगा, और पहले यहाँ पे भी शूज जमा करके तब अंदर एंट्री होगी। चलते हैं हम लोग शूज जमा करके दोस्तों, अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। जमा हो गए जूते चप्पल और हम हो गए नंगे पांव। और ये मेन मंदिर, ये धूप की गर्मी की वजह से जो है ये सब पर्दे लग गए हैं। मंदिर बहुत ही आलीशान है, बाहर से देख के हम लोगों को लग रहा है, अंदर चलते हैं। और इधर ये अलग अलग लोग अपना, जिनकी मिन्नतें पूरी हो गई होंगी वो लोग भंडारा करवाते हैं ना, चलते रहता 24 घंटे यहाँ पे चलते रहते हैं। कुछ लोग प्रसाद वितरण का काम करवाते हैं। आहा, क्या माहौल है, मस्त एकदम लग रहा है। वाह, घंटा बजा देना भाई, क्या बात है। वाह, और ये है मेन गेट, और अंदर देख सकते हैं सीन जो है कि इस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं गणेश जी का, जैसा कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं वीडियो में। और ये एक दूसरा गेट है, छोटा सा गेट है, और मैं मंदिर को चारों तरफ से दिखाता हूँ दोस्तों। जगह तो बहुत अच्छी है, बट हर जगह जो है प्रशासन और मंदिर की जो भी जगह है उसकी व्यवस्था करके रखा है सब लोगों ने, और ज़रूरी भी है। फ़ोटो सेल्फी ज़्यादा अलाउ हो जाएगी तो लोग सेल्फी पॉइंट बना लेंगे धार्मिक स्थलों को, इसकी वजह से जो भी रूल है नियम है सही है। और इधर देखिए ये जगह है जहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो लोग मान के रखते हैं या फिर मिन्नत करते हैं उनकी पूरी हो जाती है, तो भंडारा वगैरह जो लोग माने रहते हैं वो लोग यहाँ पे भंडारा करवाते हैं। और मैं आ गया हूँ मंदिर के दाहिनी तरफ, इधर बैठने के लिए पंखा वगैरह सब लगा है, एक नंबर पार्किंग। और ये देखिए जगह पार्किंग, ये देखिए नई गाड़ियों को लिबा ले के लोग पहले यहीं पे आते हैं जो लोग मान के रखते हैं मेरे हिसाब से। और इधर देखिए सब लोग खा पी रहे हैं, पार्किंग इधर है, उधर भी पार्किंग है दोनों तरफ। और ये मेन गेट है सामने वाला, और ये मेन मंदिर है। यहाँ पे बैठने के लिए शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और भैया वहाँ पे बैठे हैं। और ये बगल में माँ संतोषी का मंदिर है, लक्ष्मी माता का मंदिर है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था निकल के। और दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, देख सकते हैं सामने हमारे भगवान श्री गणेश जी का स्थान है दाहिनी तरफ। और इधर देखिए यहाँ पे भी भगवान जी की प्रतिमा है, माता रानी का स्थान है शायद। और इसके बाद सामने देख सकते हैं हमारे दाहिनी तरफ यही भगवान गणेश जी का मंदिर है, मेन मंदिर यही है, मेन स्थापना। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं सीधा, हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है,
जो कि बहुत ही अद्भुत छवि है। और उसके बाद इधर देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी, कितनी अच्छी प्रतिमा है यहाँ पे। और इसके बगल में देखिए संकट मोचन हनुमान जी हैं। और मेन मंदिर देखिए ये है, गणेश टेकड़ी मंदिर का मेन जो है भगवान गणेश का स्थान जो है हमारे सामने इस टाइम दिख रहा, देख सकते हैं। ये सामने का गेट है और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये वाला गेट जो है साइड से है। और दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और बाकी देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है इस टाइम, दर्शन कर रहे हैं सभी लोग, परिक्रमा कर रहे हैं। और आइए दोस्तों, अब हम आपको भगवान श्री गणेश का सामने से दर्शन कराते हैं। यहाँ पे देखिए सभी लोग लाइन लगा के खड़े हैं और मैं दूर से ही जूम करके दिखा सकता हूँ और कितनी अद्भुत छवि है भगवान गणेश जी की। ये भगवान गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। और ये दिन का समय है, दिन में देख सकते हैं किस तरह से लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। और हम लोग भी दर्शन कर चुके हैं, मंदिर कितना दिव्य है आप लोग देख ही चुके हैं, सब चांदी का है टोटल। और ये बाहर का देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है ये। और बगल में ये भी कोई मंदिर है, माँ संतोषी का मंदिर है। आइए मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं हम सभी लोग। महालक्ष्मी का मंदिर है, लक्ष्मी माता का। और दोस्तों हम लोग मंदिर में आए हैं, बैठे हैं और यहाँ पे भी कैमराज अलाउड तो नहीं है, मतलब सेल्फी लेना अलाउ नहीं है ऐसा लिखा है मंदिर के बाहर। और अंदर गणेश जी के मंदिर में भी यही लिखा है सेल्फी लेना अलाउ नहीं है। सेल्फी मैंने नहीं लिया है, मैंने बैक कैमरे से दर्शन कराया सब लोगों को, जैसा कि आप लोग फ़ोन में देख सकते हैं मैंने सेल्फी का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है मंदिर के अंदर में। और महालक्ष्मी माता का देख सकते हैं कितनी अच्छी और अद्भुत छवि है। और दोस्तों हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अब बाहर के सीन्स दिखाते हैं हम आप सबको। ये मंदिर पूरा पेड़ में ही लग रहा है जैसे। ये संतोषी माता का मंदिर है इधर। प्रसिद्ध मंदिर है ये, अभी भीड़ के हिसाब से पता लग रहा है। दिन में अगर ऐसा है तो फिर शाम को तो बेहिसाब भीड़ होती होगी। टू व्हीलर वाले इधर आते हैं, नई वाली टू व्हीलर लेके, और फोर व्हीलर वाले इधर आते हैं, फोर व्हीलर वाले उधर आते हैं और टू व्हीलर वाले इधर आते हैं। इन लोगों की इधर होती है पूजा। देखो स्टार्टिंग में आते एक बुलेट थी, अभी तीन तीन गाड़ियां इधर आ चुकी हैं और फोर व्हीलर वाले उधर आते हैं, वहां पे एक नई गाड़ी खड़ी है और उधर चल रहा है भंडारा। और ये है मेन मंदिर दोस्तों। और सामने हमारे देखे कुछ इधर हाथी बनी हुई है, अरे बच्चा लोग हाथी पे, हाथी के ऊपर बैठ के शूटिंग करवाते हैं। ए गुड, ऐसे करो ऐसे। अपनी बच्ची है, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, चलो
हमारी गुड़िया की फोटो भी लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, आपकी भी फोटो लेंगे। फोटो क्या है, यूट्यूब पे जाने वाले सब ब्लॉग चैनल पे। ए बच्चा लोग चलो इधर 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 कैमरे में ऐसे, यार फेस के पास थोड़ी करते, साइड में करो। या गुड, बच्चे लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं हाथी के ऊपर बैठ के। और ये है मेन मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल आ गए। अच्छा मैं दिखा देता हूँ एक मिनट वीडियो। बहुत सुंदर सुंदर मालाएं यहाँ पे देख सकते हैं। एक से एक पूरा। मस्त माला एकदम, बहुत लंबी दुकान लाइन लगी हुई है। ये वाला माला भी मस्त है एकदम, सब गणपति बप्पा को चढ़ाने के लिए इधर माला लोग बनाते हैं और इधर से बना के इधर लग जाता है। इतना लंबा लंबा माला, मूर्ति भी बहुत बड़ी है उनकी ना, पूरा गोल सी एकदम। और ये हरे हरे धूप की माला है, गणपति बप्पा को हरी धूप पसंद है ना बहुत। दुर्वा दुर्वा दुर्वा, हाँ दुर्वा। ये किस चीज का है? इसमें रजनीगंधा भी है, गुलाब है, गेंदा है। ये देखो कुछ नहीं होंगे, बहुत बढ़िया माला भी। कितने का ये माला भैया? 200 का एक ना, ठीक है ना रेट। 200 में इतना मेहनत करके बनाए हैं। और ये दुर्वा का माला देख सकते हैं, मस्त एकदम। मंदिर के जस्ट बाहर वो जाने वाला गेट है और इधर से आने वाला, दोनों तरफ से जा सकते हैं, लेकिन मेन गेट उधर था जो हम लोग एंट्री किए। तो आज की वीडियो यहीं करता हूँ दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और मंदिर के बारे में मैंने तो आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि कितना प्राचीन मंदिर है और कितनी मान्यता है इस मंदिर पे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।